स्वतंत्र दिवस पर क्या कहेंगे सर? भारतवर्ष में जिस तरह से मनाया जा रहा है, प्रदेश में खुशहाली का माहौल है। आज एसबीओ ऑफिस भिवंडी, यहाँ पे हमारे भारत राज्य का, भारत देश का स्वतंत्रता दिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। आज के दिन मैं सभी भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और जिस उद्देश्य से हमारे भारत देश की स्वतंत्रता मिली थी, वो टाइम जो भी हमारी अपेक्षाएं थी वो पूरी करने में सब लोग सहायकारी करें और सब भारत का उत्कर्ष देखें, यही एक आशा मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं, हमारे देश में बड़े धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये तिरंगे की शान है। हमारे देश में कई करोड़ लोग सुबह का सूरज या सुबह का सवेरा नहीं देख पाते, मगर जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का कार्यक्रम सामने आता है तब लोग उठकर मैदान में आते हैं और तिरंगे को सलामी देते हैं। ये भिवंडी शहर का प्रांत कार्यालय है। आज प्रांत अधिकारी के हाथों यहाँ झंडा फहराया गया। बहरहाल, अगर 78 साल की बात करें तो 77 साल तो हमारे निकल चुके, 78वें में हम हैं। तो 77 साल का अगर हिसाब देखेंगे तो हमारे देश में करप्शन, लूटमार, हिंदू मुस्लिम, इस तरह की ही घटनाएं बढ़ी हैं। विकास की बातें कम, नेताओं के विकास की बातें ज़्यादा हो रही है। बहरहाल, आज का ये शुभ दिन 15 अगस्त भिवंडी शहरवासियों को, ये वीडियो जहाँ तक जाती है उन सभी को, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरे खास दोस्त अरविंद जायसवाल की तरफ से शुभकामनाएं। मैं अरविंद जायसवाल के साथ हाथ पकड़ा। सर, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से खुशहाली का माहौल है और इस बार जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, आज हम लोग हमारे देश का पर्व जो है मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आज पूरे भिवंडी में आप देखिए एक अलग ही माहौल है, एक फेस्टिवल का माहौल है। मैं आज सुबह से अलग अलग जगह पे झंडा वादन कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को
जिस तरह से हमने जपा है, जिस तरह से संविधान ने हमको अधिकार दिए, उसका अधिकार का उपयोग करके हम अपनी आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी की अहमियत क्या है बच्चों को मालूम होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी है और इस देश को आज़ाद किया, वो उन तक पहुँचना चाहिए। सुबह सुबह बच्चे तैयार होकर आकर इस पर्व को मनाते हैं। मैं एक बार फिर पूरे देश को, राज्य को, भिवंडी को जो है मुबारकबाद देता हूँ इंडिपेंडेंस डे की। और हम अपने परचम को इसी तरह से लहराते रहें, इसको सलाम करते रहें, अपने दिलों में देश प्रेम परचम को बसाएं, यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ।